नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल टीसीएनजी ओएनजी पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डीजीपी में जो एरर कोडिंग प्रॉब्लम आता है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, डीजीपी पे जैसे ये ओपन करने पर इसमें जो प्रॉब्लम आता है, आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट इंटीग्रेटेड कैंडिडेट रिक्वेस्ट डाटा वाला जो प्रॉब्लम आता है उसे ठीक करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है। सबसे बात हमें कंट्रोल पैनल लिखना होगा। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद उसे ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हमें उसमें प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक कर देना है। प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक कर देने के बाद इसमें जो हमारे डीजीपी का जो सॉफ्टवेयर होगा उसे डबल क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। डबल क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। इतना कर देने के बाद इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमें एक काम और करना है, जिस पीसी पे जाना है। जिस पीसी पे जाने के बाद हमें सी ड्राइव पर क्लिक कर देना है। सी ड्राइव ओपन होने के बाद हमें जो सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड जो लिखे है उसे कीबोर्ड की बटन शिफ्ट और डिलीट से प्रेस करके ओके कर देना है। ओके कर देना है, उसके बाद जो हमारा सी सी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है वो डिलीट फोल्डर हो जाएगा। उसके बाद एक काम और करना है, जो फिर से हमें जो है डीजीपी का सेटअप जो है डाउनलोड करना है। उसके बाद उस सेटअप को इंस्टॉल करना है। सेटअप जो कि आप देख सकते हैं, इसमें जो डीजीपी सेटअप जो है उस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल करने के बाद जो हमारा जो डीजीपी सेटअप जो है इंस्टॉल के लिए तैयार हो गया है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि मेरा सिस्टम जो है स्लो है। आप देख सकते हैं जो डीजीपी सेटअप है वो इंस्टॉल के लिए तैयार हो गया है। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो गया है। फिनिश कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में जो डीजीपी है सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो गया है। डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो डीजीपी है वो काम कर रहा है या नहीं। अब देख सकते हैं हमारा डीजीपी जो है अच्छे से वर्क कर रहा है।